वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच फ्रेंड्स, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्पेशल फ्रॉम वेरियस एग्जाम्स। ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस हैं फ्रेंड, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, इन द सेंटेंस एथलेटिक्स इज हिज फेवरेट स्पोर्ट, एथलेटिक्स इज हिज फेवरेट स्पोर्ट, तो कह रहा है एथलेटिक्स इसमें क्या है, तो कह रहे चूंकि कर्ता का काम कर रहा है तो यहाँ एथलेटिक्स जो होगा वो फ्रेंड्स नाउन हो जाएगा। ये 2004 में TGT में पूछा गया है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन द सेंटेंस ऑल द ऑफिसर्स शुड रिस्पेक्ट वन अनदर, तो कह रहा है इस सेंटेंस में वन अनदर क्या है, तो आपको बता दें ये एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन में फ्रेंड्स एक प्रोनाउन होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसमें वन अनदर एंड इच अदर की बात करता है, जहाँ दो लोगों की बात करता है वहाँ इच अदर की बात करता है, और जहाँ दो से अधिक हो वहाँ होता है वन अनदर, तो वन अनदर एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करता है, इन द सेंटेंस ही डिमांडेड ए थोरो इंक्वायरी, थ्रो देखिए थ्रू नहीं है ये थ्रो है, थ्रो का मतलब होता है फ्रेंड्स सही तरह से अर्थात उन्होंने डिमांड किया है क्या, सही तरीके से इंक्वायरी करने का, तो थ्रो का मतलब यहाँ सही तरीके से हो जाएगा, तो सी और देखिए क्या है एडजेक्टिव है। नंबर फोर की बात करते हैं, इन द सेंटेंस आई वांट टू हियर द स्टोरी इन डिटेल, तो पूछ रहा है डिटेल क्या है, तो यहाँ कह रहा है कि आई वांट टू हियर द स्टोरी, अब कहानी मैं डिटेल में सुनना चाहता हूँ, डिटेल का मतलब ये कहानी की विशेषता बता रहा है, और यहाँ पर भी एडजेक्टिव हो जाएगा डिटेल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डिटेल जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं फ्रेंड्स, इन द सेंटेंस आई डाउट वीदर सी विल मीट हिम, वीदर पूछ रहा है कि सेंटेंस में वीदर क्या है, तो आपको बता दें यहाँ वीदर कंजक्शन है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहे हैं कि सी ऑफेन गोज टू द सिनेमा, वह प्रायः सिनेमा जाती है, तो श्योर है फ्रीक्वेंसी की बात करता है, प्रायः माने फ्रीक्वेंसी, वह प्रायः सिनेमा जाती है। इस सेंटेंस में ऑफेन क्या है, तो यह एक एडवर्ब है, और एडवर्ब के जो प्रकार में हम जाएंगे तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नंबर नेक्स्ट की बात कर रहे हैं कि सी बेयरली लेफ्ट द रूम व्हेन द रूफ फेल इन, बेयरली मीन्स होता है मुश्किल से या निगेटिव सेंस में जाएगा फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं कि सी बेयरली लेफ्ट द रूम व्हेन द रूफ फेल इन, तो बेयरली यहाँ हो जाएगा एडवर्ब, और एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ डिग्री की हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि आई नियरली, देखिए नियरली भी आया है, नियरली मैंने लगभग, हैड एन एक्सीडेंट, तो हैड एन एक्सीडेंट नियरली इसमें पूछ रहा है, तो नियरली भी एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा, ठीक है एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये नाइन है, स्टेट द इम्फेटिक ऑफ आई एम हैप्पी, हैप्पी का इम्फेटिक जो जोरदार होता है वो आई एम वेरी हैप्पी हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टेन की बात करते हैं, ये टेन है, कह रहे राम रेयरली, रेयरली मैंने कभी कभी, गोज टू दी बाजार, तो बाजार जाता है, तो आपको बता दें कि यह भी एक एडवर्ब है, और एडवर्ब ऑफ हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं फ्रेंड्स, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा रेयरली का मतलब, ठीक है। ये रहा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।